बिल्कुल, देखिए मेरे ठीक पीछे ये तस्वीरें हैं प्रयागराज में लोक सेवा लोक संघ आयोग के यानी यूपीएससी के जो दरवाजे हैं उनके सामने इस तरह की भीड़, इस तरह की व्यवस्थाएं कम ही देखने को मिलती हैं। इंटरव्यूज़ के दौरान भी इस तरह की भीड़ नहीं होती, बहुत लिमिटेड छात्र आते हैं, लेकिन आज जहां तक भी आपकी नज़र जाएगी वहां से आपको छात्र आते हुए दिखेंगे। क्या परेशानी आ रही है जो दो शिफ्ट में पेपर्स? सर नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ा एक तो पहली बात तो ये, एक जो एक दिवसीय परीक्षा होती है उसमें लागू किया जाता है जिसमें एक पेपर हो, हमारे दोनों पेपर चाहे आर ओ हो चाहे पीसीएस उसमें दो पेपर होते हैं, पहला पीसीएस में है जी एस और सी सेट का, ठीक है, आर ओ में हिंदी और जी एस का, तो ये दो जिसमें दो पेपर होते हैं उसमें ये लगाना बिल्कुल पूरी तरह से ये प्रक्रिया गलत है नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि अगर एक 120 वाला फेल हो जाएगा 90 वाला पास हो जाएगा, ठीक है, तो इसको ये क्योंकि, और दूसरी चीज़ आप विज्ञापन के जस्ट बीच में अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया, आपने उसके बाद बीच में अचानक एक महीने पहले नियम बदल दिया, इससे बहुत सारे बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा, ठीक है, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जब तक ये मांग वापस नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। क्या क्या लग रहा है क्योंकि डेट्स भी डिसाइड हो गई हैं, लेट डेट्स भी सामने आ गई हैं, आयोग की तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं आ रही, और क्या परेशानी है? यानी दो दिन अगर परीक्षा होती है और एक दिन में आप लोग मांग कर रहे हैं कि एक दिन में होगी। देखिए दो दिन की परीक्षा में सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जो उन्होंने तय किया है वो बहुत ही इरेगुलर टाइप का है, समझ में नहीं आता कौन सा क्वेश्चन सरल है कौन सा क्वेश्चन कठिन है। अगर हमें ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन सरल है कौन सा क्वेश्चन कठिन है तो ये कैसे तय किया जा सकता है कि किस पेपर को कठिन बताएंगे किसको सरल बताएंगे, इस हिसाब से किस ज़्यादा नंबर ला के भी बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे, कम करके भी सिलेक्ट हो जाएंगे। और जहाँ तक रही बात डेट आने की, तो डेट पहले 27 तारीख की भी आई थी, तब उन्होंने दो दिन में क्यों नहीं करवाया, अब उन्होंने दो महीने का और टाइम लेके फिर भी दो बार दो दिन में करवा रहे हैं, इस बात का क्या मतलब बनता है? आप हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं बार बार, जब दो बार दो दिन में करवाना था दो शिफ्ट में तो 27-28 अक्टूबर को क्या समस्या थी, अब 7-8 दिसंबर को करवा के क्या दो महीनों में उन्होंने किया आयोग वालों ने? और ये नई प्रक्रिया लाई है, नियमों को बीच में बदलाव करना सुप्रीम कोर्ट के नियमों के खिलाफ है। अभी दो दिन पहले निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा गया कि परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता, अब ये नया नियम बीच में क्यों लाया गया? इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी आएंगे और हमारी बात को सुनेंगे और हम लोग शाम तक अपना नोटिफिकेशन लेके वापस जाएंगे। क्या लग रहा है आयोग किस तरह से आप लोगों की बातों को ले? आयोग मनमानी कर रहा है, हम यही चाहते हैं कि एक पाली में पेपर हो और डेट को आगे बढ़ाया जाए, हम लोगों के इन लोग कन्फ्यूज कर दिए, पहले बताएं कि सेंटर सिर्फ पता किया जा रहा है उसके बाद जो है डेट दे दिए, और हमेशा परीक्षा एक पाली में होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन में इधर उधर लोग कर देते हैं, हम लोगों हो नहीं पाता है। देखिए आप किस तरह किस तादाद में यहाँ छात्र पहुँच रहे हैं, और ये वो छात्र हैं जो जी तोड़ मेहनत करते हैं अधिकारी बनने के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, टीचरों का नाम रोशन करने के लिए, और आज इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। जरा इन छात्रों से ये भी पूछिएगा कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि वो अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, एक बार अगर नॉर्मलाइजेशन हो गया तो ये निरंतर प्रैक्टिस में आ सकता है, और बहुत सारी और भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, अब ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल कैसे इंसान चेक करेगा? ये तो साइंस के सब्जेक्ट में या मैथ्स के सब्जेक्ट में चेक हो सकता है, लेकिन ह्यूमैनिटीज में ये नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो फर्स्ट डे 2-3 क्वेश्चन गलत हुए, नेक्स्ट डे ज़्यादा क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो जाएँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रक्रिया होगा? तो इसी की वजह से दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए। और ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि खेल के मैदान जब एक बार खेल शुरू हो जाए तो फिर आप नियम नहीं बदल सकते, 5 तारीख को आयोग ने नोटिस जारी किया था, उसके 2-3 दिन बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया, तो ये अगर संवैधानिक संस्था थे, इनको लोकतंत्र पे विश्वास था, तो इनको खुद ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पालना करना चाहिए, तो इन्होंने अवहेलना की है और हम मजबूर होकर यहाँ पे आए हैं, हमें ज़रूरत नहीं थी, हम 200 किलोमीटर से यहाँ पे आए हैं, और ये लोग मजाक बना के रखे हैं, पूरी बैरिकेडिंग करवाए हैं पुलिस से, और पुलिस बेचारे क्या करें, ऊपर से आदेश आएगा हमारे ऊपर लाठी चलेगी, और हम यहाँ पे कोई किसी का वो नहीं लेने आए हैं, हम अपने अधिकार के लिए आए हैं, लेकिन ये लोग पूरी तरह से बदतमीजी पे उतर आए हैं, गलत शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लोग उसी लायक हैं, ये मॉडिफाई आंसर के नहीं जारी करते। बिल्कुल जी,
बिल्कुल अभिषेक, देखिए 6 लाख छात्र जो हैं ये परीक्षा देंगे, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी बातें सुने जाए, इंसाफ इनके साथ किया जाए। लेकिन वहां पर दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो आयोग अड़िग है अपने फैसले पर, और 21 नवंबर को एक बैठक भी अधिकारियों के साथ करेंगे। तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। इन छात्रों से आप बात करें, जरा पूछिएगा कि अगर इस विरोध प्रदर्शन के बाद भी आयोग अपना फैसला वापस नहीं लेता है तब ये क्या करेंगे। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं ये तो अपने आप में बता ही रही हैं कि क्या होगा, किस तरह से ये लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। लोग सिर्फ यहाँ प्रयागराज से ही नहीं आए, अलग अलग और भी जनपदों से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों भाई साहब, क्या लगता है कि आयोग अगर 21 को भी बात नहीं सुनता तो क्या करेगा? अभी तो धरना चल रहा है और ऐसे आंदोलन हमारा चलता रहेगा जब तक सर जो है आयोग कोई नोटिस ना दे दे। उसके बाद और हम लोग की जो मांग है और नॉर्मलाइजेशन हटाने वाला सब चीज़ें होना चाहिए, और आज हम लोग आयोग से जब तक लिखित लेना लेंगे तब तक हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से। देखिए मेरे चारों तरफ ये तस्वीरें हैं, वन डे वन शिफ्ट हमारे माननीय आयोग, 21 तारीख को एक बैठक होनी है, उसके बाद भी अगर कुछ निर्णय नहीं, तो अभी तक निर्णय नहीं दे पाए हैं आयोग, तो आगे की उम्मीद तो स्टूडेंट नहीं समझ पाएगा ना। आप डिक्लेयर कर दीजिए, पढ़ाई भी तो करनी है हमको, हम यहाँ क्यों आएंगे, पढ़ाई भी तो करनी है, हमारा मेन उद्देश्य पढ़ाई को भी लेके है हम। और आप वन इलेक्शन वन नेशन करा सकते हैं, लेकिन वन डे एग्जाम वन शिफ्ट नहीं करा सकते आप। आपके पास 41 ही जिले हैं, 33 जिले क्या कर रहे हैं आपके, 33 जिले में कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है और ये सरकार पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न लगाती है कि आपके पास केवल इतनी बढ़िया सरकार, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत बढ़िया सरकार चला रहे हैं, लेकिन वन डे वन शिफ्ट नहीं करा पा रहे। ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टूडेंट की भीड़ आप देख ही रहे होंगे, है ना, तो आप देख लो कितना भीड़ है। मुझे लगता है आयोग को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इस पर। देखिए मेरे चारों तरफ ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में छात्र यहाँ UPSC के जो गेट है वहाँ तक पहुँच गए हैं, और यहाँ पर छात्र सब अपनी अपनी बातें कहने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। कई कई अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या क्या कहेंगे आप, 21 तारीख को एक बैठक होनी है, नहीं सुनता आयोग तब? अगर आयोग नहीं सुनता है तो सर हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, और हम ये चाहेंगे कि आयोग हमारी बातें सुने, क्योंकि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि आप SOP में या फिर खेल के नियमों में आप मिड में बदलाव कोई नहीं कर सकते हैं। हमारी यही शांतिपूर्वक धरना है, हमारा यही मांग है कि आप हमारी बातों को सुने। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं सर, यहाँ पर हमारा प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है, और उस राइट को लेकर के हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारा सब सहयोग करें और प्रशासन भी हमारा सहयोग करे और उस लेवल तक बात पहुँचाई जाए सर। और आगे की तैयारी कर रहे हैं UPSC की सर, तो क्या लगता है 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो क्या परेशानी हो जाएगी सर? नॉर्मलाइजेशन से ये प्रॉब्लम है कि सर आयोग क्या करता है कि आयोग जब तक फाइनल नहीं होता है रिजल्ट, कोई भी मार्क्स जारी नहीं करता है, तो आयोग की कहीं ना कहीं मंशा पर भी सवाल है कि आप भाई जब क्लियर नहीं करते हो कि हम कितना मार्क्स दिए हैं, कितना हम करके देंगे आपको, तो आप क्लियर नहीं किए, पहली बात। दूसरी बात, आप ये कर रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ 1 साल से खिलवाड़ कर रहे हैं सर, 1 साल से आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सर। तो हमारी ये मांग है कि प्रशासन और हमारा आयोग यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से पूर्णांक से ज़्यादा भी नंबर आ जाते हैं। अभी हरियाणा में एक एग्जाम हुआ था, उसमें बच्चे पूर्णांक से ज़्यादा नंबर पा गए थे। अब जैसे मैथ का क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, उसमें आप कुछ हद तक नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, मगर GS में ऐसा संभव नहीं है। पूछी गई है, एक तरफ से पाकिस्तान की राजधानी पूछी गई है या पानीपत का युद्ध पूछा गया है, तो आप उसमें कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे? और महत्व इस क्वेश्चन, किस क्वेश्चन को आप ज्यादा महत्वपूर्ण करेंगे और किस क्वेश्चन को, किस शिफ्ट के क्वेश्चन को आप कम महत्वपूर्ण करेंगे, और किस आधार पे आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे? आपने जो रियल जो परसेंटाइल वाला स्कोर भी बताया है कि हम ऐसे निकालेंगे सर, इनका परसेंटाइल वाला स्कोर तो मान लीजिए जो है, लेकिन ये है कि हम लोगों की जो मांग है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस आधार पे हम लोगों की मांग है कि हम लोग जो आयोग 150 क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन गलती कर देता है, वो 300 क्वेश्चन में कितनी गलतियां करेगा?
25-30 क्वेश्चन गलत कर देगा। 2019 और 20 में उसने जो है 38 क्वेश्चन गलत किए, वो आयोग कहता है हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, और इनका जो नॉर्मलाइजेशन है वो सीसैट में कैसे होगा, इन्होंने बताया नहीं। जबकि अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया है अगर फॉर्म आप निकाल देते हो प्रोसेस मानी जाएगी, उसके बाद कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, अगर बदलाव होता है तो ये आर्टिकल 14 के उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आयोग इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर रहा है, प्लस जो है ये क्वेश्चन सही बना नहीं पा रहे, पीसीएसजे में 50 कापियां बदल दे रहे हैं, छात्र इन पे भरोसा करें तो कैसे करें, इन नॉर्मलाइजेशन की आड़ में खेला करने वाले हैं। बस यही डिमांड है, अपनी कमियों को छुपाने पा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ आयोग में जो कमियां हैं वो कमियों की, अपनी सारी कमियों को छिपाने का इनको रास्ता मिल जाए बस, क्योंकि क्योंकि आज तक पीसीएस आरओ का कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें प्राथमिक परीक्षा में उसमें जो है 10 से 15 क्वेश्चन गलत ना आया हो। 10 से 15 क्वेश्चन एक क्वेश्चन पे जो है हम लोगों को जो है बाहर हो जाना होता है, और 15 क्वेश्चन ये नॉर्मलाइजेशन करके सब कुछ छिपा लेंगे और सब कुछ अच्छा है। मार्कशीट ना आना, नंबर ना पता लगना, नॉर्मलाइजेशन कर देना, हम लोग क्या पा रहे हैं, कुछ नहीं पा रहे, केवल तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देकर आप लोग भूल जाओ भाई, आपको आपसे कोई मतलब है नहीं। अगर आपका होगा तो आपको मैं बता दूंगा, और नहीं होगा तो आप लोग फिर से पढ़ो सर, जो कि सेफ जो अगर, होता है फिर से पढ़ो, मतलब इसका मतलब यह है कि आप मेहनत कीजिए, आप पढ़िए, आप पैसा खर्चा कीजिए, लेकिन आपको ये पूछने का अधिकार नहीं है कि मेरा क्यों नहीं हुआ। भाई अगर आप मेरे जो है एग्जाम ले रहे हैं, आप मेरा एग्जाम ले रहे हैं तो आप बताइए मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरी गलती कहाँ है, अपनी गलती को। आज तक ऐसा क्या कोई इनके पास ऐसा एक्सपर्ट नहीं है, कोई पेपर ऐसा बन जाए जिसमें एक क्वेश्चन गलत ना आए, कोई एक्सपर्ट इनके पास है ही नहीं। उसकी चोरी करने का सीधा सीधा रास्ता है इन लोगों के पास, और चोरी करना चाह रहे हैं, और चोरी में जो है चोरी को भी ईमानदारी से, भाई सब कुछ सही है आप लोग ये जानते रहिए, मतलब चोरी भी ईमानदारी से करना चाह रहे हैं। अगर चोरी चोरी से करें तो हो सकता है जो है ये ना करना पड़े, लेकिन चोरी के लिए इनको ईमानदारी चाहिए, मतलब ईमानदार भी रहना है, चोर भी रहना है, दोनों चीज़ें एक साथ। सर मेरा कहना ये है सबसे पहले आयोग से कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बड़ा है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीधा सीधा मेंशन कर दिया है कि अगर नोटिफिकेशन में चीज़ें मेंशन ही नहीं है तो इनका क्या बेस है लोक सेवा आयोग का, जिसके हिसाब से ये 2 पाली में परीक्षाएं करा रहे हैं या 2 से ज़्यादा पाली में परीक्षाएं करा रहे हैं। यही आयोग 11 फरवरी 2024 को 1 पाली में आरओ की परीक्षा करा लेता है, और परीक्षा में इनका जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है सारी चीज़ें इनको मिल जाता है, इंस्टीट्यूशंस मिल जाते हैं, जितने कॉलेजेस हैं मिल जाते हैं, और इनके अंदर जो पुलिस व्यवस्था है उसके इनके आयोग से अगर पेपर लीक हो जाता है तो इनका कहना यह है कि मैं इस अकाउंटेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए मैं 2 शिफ्ट या 2 से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर कराऊंगा। और भी यहाँ छात्र देखिए किस तरह से मौजूद हैं, और लगातार जो प्रदर्शन है उनका शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। उनका कहना है कि आयोग की तरफ से कई बार क्वेश्चन पेपर में गलतियाँ होती हैं, कई बार तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी अकाउंटेबिलिटी पर सवाल खड़े करती हैं, और शायद इसी वजह से यहाँ पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि 2 पाली में कराने से वो अपनी गलतियाँ छुपा रहे हैं, और तमाम तरीके की बातें तर्क प्रैक्टिकल अप्रोच की बातें यहाँ छात्र रखते हुए नजर आ रहे हैं, और जो बता रहे हैं कि जब तक आयोग इस पर कोई निर्णय नहीं लेता आज फिलहाल ये जो प्रदर्शन है इनका ये जारी रहने वाला है। जी बिल्कुल अभिषेक, इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो देखिए ये पूरे मेहनत और साल भर की और कई सालों की मेहनत का सवाल है, और ऐसे में आक्रोश जो है इन अभ्यार्थियों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। अगर इसके अलावा बात की जाए तो जिस तरीके से अभी अभ्यार्थियों ने बताया कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर नॉर्मलाइजेशन जो है वो लागू किया गया है, जो कि पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, और यहाँ पर अभ्यार्थियों का ये भी कहना है कि हम लोग कोर्ट का दरवाजा अभी खटखटाएंगे अगर आयोग ने हमारी बात नहीं मानी, हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। टाइम अब कम है, और 27-28 दिसंबर को जो है परीक्षा, 22 और 23 दिसंबर को परीक्षा होनी है, और ऐसे में 22-23 दिसंबर से पहले अगर आयोग बात नहीं मानता है और यहाँ पर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, कोर्ट का क्या रुख इसमें हो सकता है, क्या बात कोर्ट तक जा पाएगी, और या फिर उससे पहले कोई समाधान इसका निकल जाएगा, और अगर कोर्ट तक बात जाती है तो क्या समाधान निकलेगा, कितना वक्त लगेगा पूरी प्रक्रिया में। हाँ बिल्कुल, अब ये सारी बातें हैं, और जब बात इस तरह की अपने अधिकारों को लेकर आ जाती है और वो भी सीधे भविष्य जुड़ा हुआ है, मामला कोर्ट भी जा सकता है, आप लोग कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा। जी बिल्कुल, कोर्ट का दरवाजा खटखटा जा सकते हैं, क्योंकि आयोग को ये चीज़ पहले से जाननी चाहिए कि नोटिफिकेशन तो आप दे दिए, पहले मार्च में आप परीक्षा कराने के ये बोले 1 शिफ्ट में, बाद में आपको कोई चेंज करने की क्या जरूरत थी आप बताइए हमें। ठीक है, आरओ और पीसीएस के लिए आप 2 शिफ्ट में पेपर क्यों कराना चाहते हैं, हम मानते हैं सरकार का दबाव है आयोग को, चलो ठीक है सरकार का इतना दबाव हो गया कि बच्चों का भविष्य खराब करेंगे 2 शिफ्ट में करा के एग्जाम,
अब नॉर्मलाइजेशन क्यों कराया जा रहा है हमारे, ये बताइए। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार होगा, जरूर होगा, क्योंकि आप देखिए एसएससी की जितनी वैकेंसी होती है, अधिकतर मैं जानता हूँ जिसको नॉर्मलाइजेशन उसमें होता है, और नॉर्मलाइजेशन जिसमें भी हुआ है उसमें 100% तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 50% उसमें भ्रष्टाचार फैलता है। तो हम इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन ना कराया जाए, दो शिफ्ट में एग्जाम ही ना हो, यूपीपीसीएस या आरओ यार कोर्ट जाएंगे तो फिर तो और लंबा वक्त लगेगा। अच्छा, काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा, कोर्ट जाने का मतलब कि वैकेंसी पूरी की पूरी एकदम लंबाई खींच जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन लाने का सबसे मकसद, मेन मकसद ये आयोग का, तो वो अपने ही लोगों को अंदर लाना चाहता है, जो कि केवल जो पैसे के बल पे जो आएंगे वो भी अंदर, वही अंदर जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन में कैसे तय कर सकते हैं कि पेपर कौन सा टफ होगा, कौन सा इजी पेपर होगा? पेपर कोई ये मैथ का तो क्वेश्चन है नहीं, कि मैथ का क्वेश्चन है कि एक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ दिया दूसरे में, तो इसके हम जजमेंट उसमें करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पेपर टफ होगा, कौन सा ईजी होगा। ये जो है पेपर ह्यूमनिटी का पेपर होता है, तैयारी के हिसाब से भी डिपेंड करेगा ना, ये तो सबकी तैयारी, सबके नॉर्मलाइजेशन जो है